ये एक्टिविटी सिखाई जा रही है समर कैंप में। ये वाकई वो चीज़ें हैं जो हम शायद घर पर नहीं होते, स्कूल की छुट्टियों में भूल जाते हैं, लेकिन उन सबको कंटिन्यू जारी करने के लिए बाबा समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, किया जाता रहा है। सेलिब्रेट कर रहे हैं बाबा समर कैंप के सभी ऑर्गेनाइजर्स को, और हम उनसे पूछेंगे भी कि वाकई जो आज एक हमारे नगर में ये द्वितीय वर्ष में चल रहा है, शायद शुरुआत पहले वर्ष हुई थी और कहते हैं कि शुरुआत को सफलता की ओर ले जा रहे हैं, ये भी हम पूछेंगे किसका क्या क्या इसमें सिखाया जाता है बाबा समर कैंप में, सारी चीज़ें हम जानकारी करेंगे अभी। मैं लाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं हमारे चैनल बिग न्यूज़ से, मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस खबर से जोड़ने जा रहा हूँ वाकई वो खबर हो सकता है हर्षोल्लास से वो खबर, क्योंकि हम देखते हैं कि आमतौर पर बच्चों की छुट्टियाँ हो जाती हैं स्कूल से और घर चले जाते हैं, लेकिन जहीरबाद में एक ऐसी पहल शुरुआत की, शायद द्वितीय वर्ष में जानकारी भी कराऊंगा आपकी, कि एक समर कैंप का आयोजन किया बाबा समर कैंप जिसका नाम है उसके होता है, इसमें मेरे साथ बराबर टीम है, हम उनसे पूछेंगे कि वाकई जो शुरुआत थी ये शुरुआत को सफलता क्यों दिया जाए, क्योंकि एक काम होता है कि शुरू किया जाता है और शायद उसको सब लोग साथ नहीं जुड़े तो खत्म हो जाता है। मेरे साथ इसके ऑर्गेनाइजेशन अंतर कोशिश में पूछूंगा उनसे कि वाकई पहले तो हमें ये बताएं कि समर कैंप हमारे ऐसे छोटे से शहर में आपने इसको आयोजित किया है, क्या उद्देश्य था और क्या कहना चाहते हैं उन बच्चों से भी जो बाकी अभी इससे पिछले हुए हैं, यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, उनसे क्या कहना चाहते हैं? मैं जैसे बाहर से आई हूँ, देहरादून से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने देखा कि देहरादून में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बच्चों के लिए, और यहाँ के बच्चों को मैं देखती हूँ कि उनके लिए कुछ इस टाइप की चीज़ें रह गए, बेचारे पूरे गर्मी में थोड़ी नानी के घर रह गए, थोड़ी सड़कों पर घूम लिए, तो फिर मुझे लगा कि यहाँ के बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए जिससे उनका भी टाइम यूटिलाइज हो, उन्हें कुछ सीखने के लिए मिले, इसलिए मैंने सोचा कि इनके लिए समर कैंप ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि ये यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज सीख सकें। इस समर कैंप में बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, नर्सरी से लेकर टेंथ तक के बच्चों के लिए एक्टिविटीज, इसमें बच्चों के लिए डांस, योगा, मेडिटेशन, एरोबिक्स, जुम्बा डांस, स्केटिंग और क्राफ्ट, वॉलीबॉल, कराटे, टैली, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं इसमें नर्सरी से लेकर के और टेंथ तक के बच्चे इसमें, और जो मेन जो एम है बच्चों का इसमें है एंटरटेन करना, उनका यहाँ पर 3-4 घंटे का टाइम उन लोगों के बीच में बहुत अच्छे से कटता है, पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेकर कि कम से कम बच्चे 2-3 घंटे हम लोगों के साथ यहाँ पर, वो भी थोड़ा फ्री है कि बाहर खेलते धूप में खेलते, इससे अच्छा है कि कम से कम यहाँ पर सीख रहे। तो एक छोटी सी शुरुआत थी, ये इसको चलते हुए 3 साल इसको हुआ है, 2017 में क्या कोरोना काल में इसको बंद कर दिया गया क्योंकि नहीं हो सका पॉसिबल, फिर 2000 ये लास्ट ईयर इसको शुरू किया, 2022 में शुरू किया, फिर इसको 2023 में, इस बार ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं था लगाने का, बट बच्चों ने और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोटिवेट किया कि मैम ये कैंप आप लगाइए, इस वजह से हमने ये भारत भारतीय स्कूल में इस कैंप को लगाया जिसमें बच्चे बहुत सारी एक्टिविटीज करें, बड़े बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। अच्छा, हम देखते हैं कोई चीज़ शुरुआत वो सफलता की ओर कम है, लेकिन आपकी मेहनत और आपके साथ ही मुझे टीम वर्क होता है, काफ़ी अच्छी तरीके से हम देख रहे हैं समर के बाबा समर के उनका हम उससे भी हम शुरू जानकारियाँ भी करते हैं कहाँ लगा के, तो ये एक लोगों में लगाए थे या आपने हमारे नगर को एक ऐसी सौगात दी है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि शुरुआत और सफलता में बार बार इसी शब्द को दोहरा रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब मैं बच्चों के चेहरे में खुशी देखती हूँ, मुझे लगा मेरे बच्चे एक्चुअली बड़े हैं तो मुझे लगता है कि जो चीज़ उन्हें नहीं मिली कम से कम आगे के और बच्चों को, तो बस यही शुरुआत की, और इस शुरुआत में मेरे से मेरा पूरा ये बाबा ग्रुप है जिनके सहयोग से मैं इस समर कैंप को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, बट अकेले मेरे बस की तो ये बात नहीं थी, बहुत से पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे कॉपरेट किया और मेरा पूरा ये ग्रुप साथ में खड़ा है, इन लोगों ने कॉपरेट किया और यही सब ग्रुप में एक्टिविटीज़ के टीचर्स भी हैं, और कोशिश करूँगी कि आगे नई एक्टिविटीज़ इस कैंप में हम लोग बच्चों के लिए ऐड कर सकें, यहाँ पर फैसिलिटीज़ थोड़ा नहीं है, कोशिश करूँगी बाहर
यहाँ बच्चों को दे सके और एक नई शुरुआत की है और उम्मीद के साथ ये कि आगे भी ये अच्छी चले। और बहुत सारे पेरेंट्स ने कॉपरेट किया, अपने बच्चों को भेजते हैं, बोलो बेशक नानी के घर चले जाते हैं, 10 दिन रह के फिर लौट के आते हैं कैंप अटेंड करने के लिए। तो अच्छा लगा कि मतलब उन लोगों ने मोटिवेट किया, उन लोगों के मोटिवेशन से ही ये कैंप आगे बढ़ रहा है और अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। फर्स्ट ईयर जब हमने शुरू किया था उस टाइम पर थोड़ा रिस्पॉन्स था, फिर लास्ट ईयर जब था उसमें काफ़ी अच्छा था, इस साल भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था और आगे भी शायद बहुत अच्छा है। ये हम लोगों ने उससे कनेक्ट कर दिया इसको, तो यहाँ से सारे फोटोग्राफ्स वीडियो इस ऑर्गेनाइजेशन को डेली अपलोड करनी है। तो उस अभियुक्ता के थ्रू वहाँ से एक दो मेंबर बीच में कभी रॉन्ग लेने ना आ जाए, तो उन लोग वहाँ से हमने इसको टाइप कर दिया है। तो ये सर्टिफिकेट वो लोग हमको प्रोवाइड करते हैं, फिर हम उसको बच्चे जो जो जिस टीम में पार्टिसिपेट करते हैं जो विनर्स होते हैं उनको हम ट्रॉफीज वगैरह लास्ट में एक प्रोग्राम करते हैं, उस प्रोग्राम में बच्चों को सर्टिफिकेट और ट्रॉफीज देकर उनको मोटिवेट करते हैं, उनको अवार्ड देते हैं ताकि वो और आगे बढ़े। ये थी मेरे साथ ममता कौशिकी, पूछना चाहूँ आप सीनियर सिटीजन थे और वाकई आज के दौर में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आपको कैसा लगता है कि उस समय नहीं थी जब हम आप थे और कैसा लग रहा है समर कैंप जो आयोजित किया जा रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है समर कैंप आयोजन करते हुए, शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण सूक्ष्म में बात उसको समाप्त करा रखी है और बताया है कि बाकी इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। अच्छा मेरे साथ एक मैं सबसे बड़ी खुशी क्योंकि मेरा आज जो मकसद हुआ है आगे समर कैंप बीते दिनों से चल रहा है, लेकिन आज खुशी का माहौल इसलिए है क्योंकि एक यहाँ पर स्टूडेंट है जो बेटी है, शायद पेरेंट्स भी आए हुए हैं उनके, तो यहाँ पर एक बर्थडे केक भी करना गया। तो मैं पूछूंगा क्योंकि ये खुशियाँ शायद अपने परिवार और अपने घरों के बीच मनाई जाती है, लेकिन वो यहाँ आए हैं उन बच्चों और उन सबके साथ को उस खुशी को साझा करा, क्या कहना चाहते हैं आप इस पर क्योंकि आप घर पर भी हर सप्ताह घर पर मनाते थे, क्योंकि मेरी बेटी की रहती थी कि मेरा स्कूल वर्क हो जाता मुझे इतना इंजॉयमेंट करने मुझे मिलता है। तो इस बार जब समर कैंप ज्वाइन किया तो इसमें बोला मेरा बर्थडे तो वहाँ मनाया जाएगा, इस बार ये बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बता रहे हैं शायद हम सब घर पर ही बर्थडे मनाया करते, मेरे साथ बेटा आप यहाँ पर आए हैं और साथियों के साथ बर्थडे मना रहे हैं, कैसे लग रहा है? अच्छा लगा। अच्छा हम देखते हैं कि आपको कुछ सिखाया भी जाता है, तो सब आप एक्टिविटी जो सिखाई जाती है आप समझ में आ रही है सब मेरे साथ बता रहे हैं क्योंकि परिवार के बीच बर्थडे मनाया जाता था, स्कूल की जो इतनी गैदरिंग होती नहीं आ पाती थी, लेकिन आज सब फ्रेंड उनको यहाँ मिल गए हैं समर कैंप में। वो इसका उद्देश्य ये है कि हम जब समर कैंप में जाएँ तो हमारे जो स्कूल घरों पर जाकर बैठ जाते हैं, हम कुछ खेल कूद में व्यस्त करते हैं, लेकिन यहाँ सारी चीज़ें एक्टिवेट सिखाई जाती है, स्कूल से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ होती हैं, सारे तरीके जो कि स्पेशली कोच भी हैं यहाँ, और मैं पूछूंगा उनसे कि क्या विशेष सिखाया जा रहा है बच्चों को, बेसिक स्किल बनाई जाती है, स्टेट में बेसिक की चलना कैसे है, बेसिक की खड़े कैसे होना चाहिए, आगे के लिए तैयार फिर कॉम्पिटिटिव। अच्छा इसका समय क्या रहता है? जैसे आपको 5 मिनट चाहिए क्योंकि आप समाज सेवा के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि बच्चों के लिए आप निरंतर ऐसे प्रयास कर रहे हैं, जो आगे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं बेटा आपको करीब सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं? अच्छा लगता है आपको बता रहे हैं कि स्केटिंग जब सिखाते हैं वाकई बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं, और अब मैं आपके पास उस चीज उनके पास लेके आ रहा हूँ जो शायद मुझे अभी पता लगी थी कि शायद ममता जी ने भी बताया था कि इस बार प्रोग्राम नहीं हो पा रहा था, लेकिन सुमित जी मेरे बराबर में पीलू शू सेंटर के नाम से जिनको जाना जाता है उन्होंने इसमें बड़ी मेहनत करी है, क्योंकि एक टीम जब टूट जाती है और शायद सभी की तरफ से ये कोशिश होती है कि इस बार नहीं होता, उस सबको इकट्ठा करना, उन सबको मनाना, उन सबको एक साथ लाना, और फिर उसी हर्षोल्लास और उसी उद्देश्य और एक बड़े उद्देश्य से उस कैंप को दोबारा से शुरू करना। तो मैं पूछूंगा कि वाकई क्या था ये सुमित भाई, क्योंकि सुना था शायद उसके लिए कहीं दिल से आपका धन्यवाद। ये समर कैंप
का मेन उद्देश्य हमारा यही था कि बच्चों को आजकल कुछ भी एक्टिविटीज जहंगीराबाद जैसे शहर में रूरल शहर में मतलब जहंगीराबाद के गाँव माना जाता है जो देहाती माना जाता है तो कोई भी एक्टिविटीज यहाँ नहीं होती है तो बच्चे बिल्कुल अंदर घर में घूम घूम कर रह जाते हैं। पहले इतने सारे गेम होते थे घर से बाहर, अब तो कोई बच्चा गेम खेलते ही नहीं है घर से बाहर, सब मोबाइल में लगे रहते हैं। मेन उद्देश्य यहाँ का ये है कि बच्चे अच्छे से सामाजिक कर सकें, उनका विकास हो सके, सारी गेम की एक्टिविटीज़ हैं इतनी अच्छी होती हैं, सब बच्चों का खूब मन लगता है और गार्जियंस भी इतने खुश होते हैं कि बच्चों को नई नई चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं, उनकी छुट्टियाँ अच्छे से बन जाती हैं बच्चों की। और ये हमारा उद्देश्य है कि सब बच्चे खूब तरक्की करें और खूब जहंगीराबाद का नाम रोशन करें। और हमारे साथ में मिस्टर कनिक शर्मा जी, ये SKT के बहुत अच्छे कोच हैं और जिन्होंने जहंगीराबाद के बच्चों को एक ऐसी दिशा दे दी है कि आजकल के बच्चे पहले क्रिकेट बहुत खेलते थे, बैडमिंटन बहुत खेलते थे, लेकिन आजकल हर घर में एक बच्चा स्केटिंग सीखने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है कि मुझे स्केटिंग सीखनी है और स्केटिंग ही सीखनी है और मनु सर के अंतर्गत ही सीखनी है। और ये बंदा एक ऐसा बंदा है जो बिल्कुल सबको निःशुल्क स्केटिंग सिखाता है, बिल्कुल किसी से कोई चार्ज पे नहीं होता, किसी से कोई मतलब सिंगल पेमेंट किसी बंदे से नहीं देता और बिना स्वार्थ के सब बच्चों के लिए हमेशा रेडी रहता है। तो मेरे साथ सुनीति जी उन्होंने बताया, अब मैं शायद लड़कियों की बात करता हूँ, क्योंकि उनको एक आत्मनिर्भर बना मेरे साथ भावना है जो कराटे सिखाती है, क्योंकि आत्मनिर्भर तभी बन सकता है। हम देखते हैं कि चेन इसके नीचे होना, ये सारी चीज़ें होना, लेकिन अगर उसमें आपका आत्मनिर्भरता है और आप उस चीज़ का साहस से मुकाबला कर सकते हैं तो ये बड़ी बात होती है। उसके लिए भावना शायद उनको उस कदम की ओर आगे बढ़ा रहे। भावना क्या कहना चाहते हैं इस पर आप, कि हम देखते हैं कि आप लड़कियों को आत्मनिर्भर हैं तो आप खुद आत्मनिर्भर हैं, क्या कहना चाहते हैं? जैसे आज की डेट में हर लड़की को हर काम जरूरी है, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, उसके साथ साथ सेल्फ डिफेंस भी जरूरी है। क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती, मैं औरंगाबाद से बिलोंग करती हूँ, लेकिन इस समर कैंप की वजह से मैं खुद यहाँ हूँ और मैक्सिमम 100+ 100+ में बच्चे हैं जिन्हें मैं सेल्फ डिफेंस सिखा रही हूँ, बाकी अदर एक्टिविटीज सिखाई जा रही है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है क्योंकि एक मैं ही नहीं, मेरे जैसी और भी बननी चाहिए। बता रहे हैं कि भावना शायद बहुत सारी भावनाएं होनी चाहिए। मेरे साथ उमेश जो कि व्यापार से संबंधित रहते हैं और शायद अपने परिवार के साथ आए हुए हैं, कुछ क्या कहना चाहते हैं इस समय? मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो शुक्रिया जो आप जो हमारे नगर की आवाज को, प्रतिभा को भारतीय जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। बाकी मेरे सभी पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही ढालेगा, और सब चीज़ इस दुनिया में चुराई जा सकती है लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसको चुराया नहीं जा सकता। आप अपने बच्चों को शिक्षित करें, रोटी चाहे चटनी से खा लें लेकिन शिक्षा जरूर दें, और शिक्षा के साथ साथ ये सारी एक्टिविटी जरूरी है। और एक मैसेज और देना चाहूँगा कि जो बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहता है, अगर वो क्रिकेटर बनना चाहता है तो उसको क्रिकेट की लाइन में आगे बढ़ाएं, उसको समय दें। जो बच्चे के अंदर टैलेंट है, क्योंकि प्रकृति ने जो ईश्वर ने जो बनाया है ना, सबको कुछ ना कुछ अलग अलग टैलेंट जरूर दिया, बस अब तक उस टैलेंट को तराशने की जरूरत है। जैसे आपने पत्थर देखा होगा, एक पत्थर वो है जो रेल की पटरी के नीचे भी लगता है, एक रोड पे पड़ता है, एक पत्थर वो है जो मंदिर में पूजा की जाती है, तो मंदिर में जो पत्थर है उसको तराशा जाता है। तो इसी प्रकार से जो हर किसी बच्चे के अंदर प्रतिभा है जिस भी क्षेत्र में है उसको निकाला जाए। और जितने भी कोच हैं यहाँ पे, गाइड है, सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने यहाँ पे शुरुआत की, और शुरुआत होनी चाहिए और पेरेंट्स को इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये बात सही, क्योंकि अगर सचिन तेंदुलकर को फुटबॉल सिखाया जाता तो शायद वो आज देश में नाम रोशन नहीं करते। उनको सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में शौकीन थे तो क्रिकेट ही सिखाया। अब मैं लास्ट में शायद ममता जी से एक और बात कहना चाहता हूँ, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो अभी सभी समर गेम से क्या कहना चाहते हैं? मैं पेरेंट्स से यही कहूँगी कि अगर आपकी जगह पर कुछ इस टाइप की सुविधा या कुछ फैसिलिटीज अगर दी जा रही है तो आप हम लोगों को सपोर्ट करें और अच्छे से अच्छे सजेशन हम लोगों को आकर के दें ताकि हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकें और इस टाइप के प्रोग्राम में हम लोगों को कॉपरेट करें ताकि हम लोग भी मोटिवेट हो सकें और कुछ आगे कुछ नया करने की हिम्मत हम लोगों को मिलेगी। क्योंकि पेरेंट्स ही हम लोगों को कॉपरेट करेंगे तो ही हम ये काम करेंगे, अदरवाइज हम लोगों को डेमोलाइज हो जाएंगे। क्योंकि अगर अपने पेरेंट्स बच्चे को नहीं भेजेंगे तो फिर हम लोग किस चीज़ का कैंप लगाएंगे, है ना? अगर ये लगा है तो आप इस चीज़ का फायदा उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए और बच्चों को कुछ सीखना ही को ही मिलेगा। मैं यही कहूँगी इसके साथ में आपका। थैंक्स कहूँगी सर।
बताई ममता जी के बाकी जो यहाँ पेरेंट्स हैं और जो अगर पेरेंट्स हैं वो आकर समर कैंप में जरूर आए और हमें एक सजेशन भी दें। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि बच्चों के लिए तो है ही ये चीज़, बड़ों के लिए भी अगर कुछ हो सके ऐसा कि डेली प्रतिदिन सुबह को देखो योग और एक्सरसाइज ये इतना ही जरूरी है। कहते हैं कि अगर आपका स्वास्थ्य बेकार है ना, नहीं चल सकते आप, तो आपके पास करोड़ों अरबों की धन दौलत की वजह से ही वो आपके लिए बेकार है, व्यर्थ कुछ नहीं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो मैम से मैं इस बारे में कुछ कहूँगा कि आप जो उसके बारे में थोड़ा सा कहें कि कुछ कोशिश करें कि ऐसा कुछ महिलाओं के लिए या उसके लिए बड़ों के लिए भी ऐसी कुछ चर्चा चले जो कि कंटिन्यूसली रहे, रेगुलर रहे। सजेशन आ चुका है आपके पास, बिल्कुल आप लोगों के सजेशन तुरंत फॉलो करें। आप लोगों के योग और मेडिटेशन के लिए यहाँ पर एक ब्रह्म कुमारी जी का सेंटर खुला हुआ है। अब वो सेंटर कम से कम 5-7 साल से खुला हुआ है, आप आकर उसमें ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आप इवनिंग में योग कर सकते हैं, शाम को 6 बजे से 7 बजे तक वहाँ पर मेडिटेशन चलता है। और मैं कहूँगी आप लोगों को घर में सबको योग करना चाहिए। यदि आप, हम लोग घर में वैसे कितनी पढ़ाई कर ले हम कोई नहीं क्लियर कर सकते, मगर स्कूल में कहते हैं जाना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही आप घर में मेडिटेशन कितना ही करें, मगर आप अगर आप सेंटर में जाके उस पर्टिकुलर जगह पे जाएंगे तो वहाँ की जो वाइब्रेशन है, आप ना चाहते हुए भी आपका योग लगेगा। तो चाहे आप 10 मिनट के लिए जाइए, वहाँ पर ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का सेंटर खुला हुआ है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जाकर वहाँ पर योग करिए और उस चीज़ का फायदा उठाइए। सबके लिए अच्छा है कि आप अगर योग करेंगे तो घर में आपके बच्चे, आपकी जो आगे की जनरेशन है वो उसको फॉलो करेगी और ये सबके लिए बहुत अच्छा है। आपको बताया गया कि योग और मेडिटेशन से अच्छे से बीमारी भी कटती है, इस चीज़ का फायदा उठाइए आप। शायद उम्मीद जी आपको जवाब मिल चुका है इस बात का क्योंकि आपने सवाल कराया। सुमित जी कहना चाहते हैं? एक मैं छोटी सी बात सर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। एक यदि कोई भी बच्चा या कोई भी गार्जियन स्विमिंग सीखना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छे कोच की व्यवस्था है। यदि किसी बच्चे को, किसी गार्जियंस को, किसी भी एज में, किसी भी लेडीज को स्विमिंग सीखना हो तो पर्टिकुलर उसके लिए टाइमिंग है स्विमिंग सीखने की, तो एक बार नाजिम भाई आपके चैनल से और आप सभी के सहयोग से बहुत अच्छा कोच हायर किया हुआ है खालोरा स्टेडियम में। यदि किसी को स्विमिंग सीखना हो तो कृपया करके बाबा समर कैंप में आए और उसकी पूरी जानकारी ले लें। धन्यवाद। ये सारी चीज़ें समर कैंप के सर्वे साथ मुझे बता दी गई हैं। अभी एक सवाल हुआ था योगा का, वो ममता जी ने इसको भी क्लियर कर दिया और सुमित जी ने भी एक बताया कि अगर स्विमिंग सीखना चाहते हैं उसके लिए भी कोच हायर है वो भी सीख सकते। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे ही सवाल निकल के बाबा समर कैंप तक पहुँचें और सजेशन पहुँचे जिससे कि लोगों को पता चले, क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें मौजूद तो है, अवेलेबल तो है, लेकिन हमको पता नहीं है, हमें रास्ते पता नहीं है। रास्ते शायद आपको बाबा समर कैंप से ही मिलेंगे, तो यहाँ आना आपको जरूरी है। चलेगा सूर्य नमस्कार हो रहा है।